अजय देवगन, तब्बू और नीरज पांडे ये बॉलीवुड के ऐसे नाम हैं, अगर ये तीनों किसी मूवी में आ रहे हो तो आप वो मूवी जरूर देखना पसंद करेंगे। औरों में कहां दम था, इसका ट्रेलर देखकर इसकी स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल तो लग ही रही थी, लेकिन इस मूवी से जुड़े दिग्गजों पर भरोसा था और इसीलिए मैंने ये मूवी देख डाली। लेकिन मूवी देखने के बाद रियलाइज हुआ कि अगर ना ही देखती तो अच्छा होता, क्योंकि नीरज पांडे ने 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी की मूवी बनाई है और ऐसी मूवी देखना तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो हम थिएटर में क्यों ही जाएंगे। इस तरह की मूवी आसानी से हमें OTT और YouTube प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। वैसे तो इस मूवी का रिव्यू यही खत्म कर सकती हूँ अब, लेकिन इस मूवी पे 144 मिनट खर्च किए हैं तो इस रिव्यू के जरिए थोड़ा दिल हल्का करने की कोशिश करूंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आप भी मेरी तरह अजय देवगन, तब्बू और नीरज पांडे का नाम सुनकर ये मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये रिव्यू जरूर सुन ले। ये स्टोरी है कृष्णा यानी कि अजय देवगन और तब्बू की। मुंबई के समंदर किनारे बन रहे बांद्रा वर्ली सी लिंक को देखते हुए यंग कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी और यंग वसुधा यानी कि साई मांजरेकर पूरी लाइफ साथ निभाने के सपने देखते हैं। सी लिंक तो बन जाता है लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहानी जैसे ही फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है तो पता चलता है कि कृष्णा खून के इल्जाम के लिए जेल में है और वसुधा अभिजीत यानी कि जिमी शेरगिल से शादी करके अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब ये कृष्णा जेल क्यों गया या उसकी और वसुधा की अधूरी लव स्टोरी 22 साल बाद पूरी हो पाएगी, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर औरों में कहां दम था देखकर टाइम वेस्ट करना होगा। डायरेक्टिंग और राइटिंग, वैसे तो नीरज पांडे की इस मूवी का नाम हमारी अधूरी कहानी पार्ट 2 होता तो भी चल जाता, क्योंकि मूवी में लड़का जेल में क्यों जाता है, इस सवाल का जवाब तो फिल्म का ट्रेलर देखकर एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से बता सकता है कि लड़का लड़की के चक्कर में जेल जाता है। और नीरज पांडे ने आज के जमाने में इस घिसे पिटे कॉन्सेप्ट पर इतनी लंबी फिल्म बना डाली, पता नहीं क्यों ही। इस मूवी को एंगेजिंग बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टाइल में एक ही सीन 3 बार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हुए मूवी में सस्पेंस मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है जो कि हो नहीं पाई। लेकिन ये मूवी कोई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है और इसलिए इस तरह का एक्शन मूवी को ना तो जस्टिफाई करता है और ना ही ऑडियंस को ये मूवी से कनेक्ट कर पाता है। पूरी मूवी देखते हुए बार बार मन में ये बात आ रही थी कि इस तरह की हिंदी मूवीज की वजह से ऑडियंस शायद थिएटर तक नहीं जा रही है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी, कमजोर स्क्रीन प्ले और वही पुराना मेलोड्रामा देखकर तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अगर दोबारा कोई ये फिल्म मुझे सामने से फ्री का टिकट और पॉपकॉर्न देखकर भी दिखाना चाहे तो मैं इसे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। मूवी में अरे मौसम थोड़े ही जो बदल जाऊंगा जैसे मजेदार डायलॉग थोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगले ही पल स्टोरी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। पूरी मूवी में अच्छी बात सिर्फ एक ही है और वो है इसमें शामिल एक्टर्स की एक्टिंग, लेकिन वो भी इस मूवी को संभाल नहीं पाती। अगर एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन हमेशा ही बहुत शानदार हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से फिर एक बार कृष्णा के कैरेक्टर को शिद्दत से निभाया है। चश्मा उतारकर जेल में अपने दुश्मनों को साबुन की टिकिया की तरह रगड़ रगड़ कर धोने वाले कृष्णा के साथ वसुधा के सामने हड़बड़ाने वाले कृष्णा को भी अजय ने बखूबी हमारे सामने पेश किया। तब्बू हमेशा की तरह शानदार है, हालांकि अजय और तब्बू से तो बेमिसाल परफॉर्मेंस की उम्मीद रहती ही है, लेकिन यंग कृष्णा का किरदार निभाने वाले शांतनु महेश्वरी ने भी इस मूवी में हमें सरप्राइज किया है। शांतनु ने यंग कृष्णा के कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई किया है। इससे पहले भी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई में उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उम्मीद है उन्हें और अच्छे कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर पेश करने का चांस मिलेगा। हाल ही में अजय देवगन की मैदान रिलीज हुई थी, भले ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन वो एक बेहतरीन मूवी थी। उस मूवी को देखने के बाद अजय की अगली फिल्म से काफी होप्स थी, लेकिन इन सारी उम्मीदों पर औरों में कहां दम था खरी नहीं उतरी। कृष्णा और वसुधा की लव स्टोरी दिल को छू ही नहीं पाती है, तो वहीं मुंबई की एक चौल से शुरू हुई लव स्टोरी फिल्म में फ्लैशबैक दिखाए गए हैं। डिटेलिंग के मामले में यहां बहुत ज्यादा गड़बड़ है और एग्जांपल के तौर पे ये मूवी में जो चौल दिखाई गई है वो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। मतलब मुंबई के अंदर चौल और इस चौल के बाहर देखा जाए तो सीधे लखनऊ का चौराहा। फ्लैशबैक में जहां एक तरफ सीलिंग बनते हुए दिखाया गया है, वहां दूसरी तरफ यंग कृष्णा और वसुधा को जिस चौपाटी की जगह एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाया गया है वो जगह तो उस दौरान बनी ही नहीं थी। अगर आप मुंबई के हो तो आप ये छोटी छोटी चीजें आसानी से
कैच कर लोगे। एक्टर्स की एक्टिंग शानदार है और इसके अलावा औरों में कहां दम था में बिल्कुल भी दम नहीं है। मेकर्स अब 30 साल पीछे चल रहे हैं और काफी लेट हो गए हैं। 30 साल पहले ये मूवी बनती तो लोग इसे शायद थोड़ा पसंद करते, शायद ये हिट भी हो जाती, लेकिन अब स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट के जमाने में कोई इस तरह की कहानी से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएगा। 144 मिनट बोर होने से अच्छा है आप ये फिल्म स्किप कर दें। तो ये था औरों में कहां दम था का बकवास रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।